नमस्ते भाइयों और बहनों, आज हम कर रहे हैं पिक्चर सिर्फ एक बंदा ही काफी है का रिव्यू, जो हम G5 में देख लिए हैं। तो सबसे पहली बात आपको बता दें, ये पिक्चर जो है सिनेमा हॉल में रिलीज होना चाहिए था। हाँ, सही बता रहे हैं, क्योंकि ये सामाजिक टॉपिक को टच करती हुई एक पिक्चर है और समाज के साथ देखते तो बहुत ही मजा आता। लेकिन फिर भी इस ब्रेव स्टोरी के लिए हम लेखक, निर्देशक, निर्माता और G5 को बधाई देना चाहते हैं। कलाकारों की यदि बात करें तो पूरी पिक्चर का जिम्मा जो है हमारे प्यारे मनोज बाजपेयी भैया के काबिल कंधों पर था। और क्या बेजोड़ परफॉर्मेंस दिए हैं, सही बता रहे हैं। जो लास्ट में उन्होंने क्लोजिंग स्टेटमेंट दिया, आय हाय हाय हाय, सिनेमा हॉल में होते ना तो सिक्के उछाल के फेंक देते और तालियां सीटियों की गड़गड़ाहट हो जाती। कहानी की यदि बात करें तो कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है, तो पहले ही ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाती है। ऊपर से मनोज बाजपेयी भैया का अभिनय और उसके साथ इतनी सेंसिटिव कहानी है कि आपके दिल को छू जाती है। और सच बताएं तो कर्म वर्सेस धर्म की ये लड़ाई जो है बहुत बखूबी जो है निर्देशक ने पेश की है। फिर भी इस रोचक कहानी का एक तो बड़ा गलती हम पकड़ लिए हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि पूरी पिक्चर में जो मनोज बाजपेयी भैया हैं स्कूटर में घूम रहे, और बाद में एक एक्शन सीन आता है, वहां अचानक से कार आ जाती है। तो राजा, ऐसा नहीं होता है। अपूर्व सिंह खरकी, हम सब देख रहे हैं, आप तो एस्पिरेंट हो, तो ये गलती का आपका नंबर कट कर ले रहे हैं। कुल मिला के रेलेवेंट सब्जेक्ट पर बनी ये पिक्चर जो है एक बार देखने योग्य है। काहे कि इसमें एक आम आदमी को सुपर हीरो की तरह पेश किया गया है। तो आप भी देखो स्वयं विवेक से। वैसे सच बताएं तो मनोज भैया के लिए हम एक ठो बारी तो ऐसे फ्री में देख ही लेते हैं। तो आप लोग भी देखो और हमको कमेंट करो आपको कैसी लगी। ठीक है, अच्छा चलते हैं। सासू माँ के सामने अपनी दलील पेश करनी है।